और शांति दांति आदि जो संपत्ति है वो नारद जी ने अपना पाँव जो है वो जला के हो पाँव तोड़ के निवास करते हैं, बल्कि फिर भी नहीं है शांति आदि संपत्ति कदम सभी उनको छोड़ के कहीं जाती नहीं निवास स्थान है शांति दांति के। एक और तो नारद जी की बात हुई कि उनको समझ कहाँ से आवे क्रोध कहाँ से आवे, और दूसरी बात बताई सावप्युत्तम गोत्र वृत्त चरित। ये भी महाराज बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मा जी के खास जो विशेष वंश है उनमें पैदा हुए थे, विश्रवा सुबेर के बेटे, उत्तम इनका गोत्र उत्तम चरित्र। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये कुछ गलती कर जाए तो क्या हमसे जैसे आगंतुक अपराध हो गया। श्रीमद वहाँ भी था थोड़ा तो सही परंतु आगंतुक था, लेकिन वहाँ भगवत संकल्प मुक्त था पर खुद का अपराध कम था। तो भगवत संकल्प वहाँ क्या था कि जैसे जब गर्भ में थे परीक्षित तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अर्जुन पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने उसके बदले में ब्रह्मास्त्र डाल के दोनों को लड़ा के दोनों को वापस कर लिया। अर्जुन में तो ताकत थी, लेकिन इस तरह के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो तो एक और की बात थी, एकांगी अपराध हो गया ना। एकांगी अपराध था, वो तो निवारण ही नहीं कर सकता था, न परीक्षित निवारण कर सकता था न उत्तरा निवारण कर सकती थी, इसलिए इस तरह गई भगवान की शरण। अब मैया तो आई शरण में, लेकिन जिसकी रक्षा होनी है वो तो शरण में आए ही नहीं। तो भगवान ने कहा चलो मैया तो शरण में आई तो मैया के संबंध से ही परीक्षित की रक्षा करनी चाहिए। तो माता के पेट में घुस गए और जिस पेट में परीक्षित उसी पेट में श्री कृष्ण, तो भाई भाई हो गए, संबंध जोड़ लिया। तो बोले भाई ये बड़ा भाई परीक्षित पहले से पेट में है तो छोटे भाई का काम है बड़े की रक्षा करना। ये ब्रह्मास्त्र पर इन्होंने महाराज अपने सुदर्शन का प्रयोग कर दिया, ये नारायण अस्त्र है। परंतु भौतिक अस्त्र का प्रयोग मंत्र पूछ करके अश्वत्थामा ने किया था, इसलिए सुदर्शन से वो शांत हो गया, वो भी ब्रह्मास्त्र ही था, परंतु भगवान ने उसको शांत कर दिया नारायण अस्त्र से, अपने रूपास्त्र से शांत किया ऐसा समझे। लेकिन बाद में ये जो ऋषि बालक ने ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को साथ दिया, इसमें कुछ बात थी। बात ये थी कि एक बार जो ब्रह्मास्त्र से दग्ध हो गया अब ये भौतिकास्त्र से दग्ध नहीं हो सकता, इसमें तो बड़ा भारी अपमान होगा ना, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा वो, जब ब्रह्मास्त्र से नहीं मरा बच गया और अब कोई लौकिक अग्नि राजा परीक्षित को खत्म कर दे या लौकिक अस्त्र से मर जाए या रोग से मर जाए तो ब्रह्मास्त्र का बड़ा भारी अपमान होगा, इसलिए फिर से ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी राजा परीक्षित को मरने के लिए, ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी। तो ऋषि बालक ने ऋषि कुमार ने सापास्त्र ब्राह्मण का साप जिसकी कभी निवृत्ति नहीं होती उसका प्रयोग किया। ब्राह्मण यदि हथियार से मारे तो उसकी निवृत्ति हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण यदि वाणी से मारे तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। ये दो प्रकार का होता है, दुर्गाता ने अपनी जटा उखाड़ के अंदर उसको मारा था इसलिए सुदर्शन ने उसको शांत कर दिया, लेकिन जब ऋषि साप दे देता है तो साप की निवृत्ति स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि का मुख्य अस्त्र साप है, मुख्य अस्त्र जो है वो वस्तु नहीं है, द्रव्य नहीं है, कुल्हाड़ा नहीं है। अब तो महाराज ऐसा ब्रह्मास्त्र आया परीक्षित पर कि भगवान ने सोचा कि ठीक है ये ब्राह्मण का जो बाघ अस्त्र है इसको भौतिकास्त्र से निवृत्त नहीं करना चाहिए, इसके लिए बाघस्त्र चाहिए। तब भागवतावतार भगवान ने ग्रहण किया, श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होकर के उस अस्त्र को निवृत्त कर दिया। सापास्त्र की निवृत्ति के लिए ये भागवतास्त्र का प्रयोग किया गया। ब्रह्मास्त्र उन्हें बाधित कर चुका था, एकम ब्रह्मास्त्र आदाय, ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित बाधित हो जाते, परंतु भागवतास्त्र का प्रयोग करके भगवान ने उनको मानो बैकुंठ में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया, अच्छा भाई अभी ये अधिकारी पुरुष हो गए, ये ब्रह्मास्त्र से नहीं बैकुंठ में रहेंगे, जाओ निलारम अवस्थित अधिकारी का नाम आ जाओ हमारी गोद में आ जाओ, ये हुआ। तो वहाँ तो भगवत संकल्प था कि ब्रह्मास्त्र का तिरस्कार न हो और भागवतास्त्र की महिमा बढ़े,
भागवतास्त्र ब्रह्मास्त्र को भी प्रतिबद्ध कर देता है। ये बात दिखानी थी। अब यहाँ जो साधु आज तो राजा परीक्षित की तरह नहीं हुआ, बोले कि नहीं ये तुम्हारी तरफ वत्वन ने विबोध भयान अचत पर पूर्व संस्था मुनि पूर्व जन्म की बात इसीलिए सुखदेव मुनि ने बताई उनको कि सुनो ये उनकी कथा। अब उनकी जो कथा है वो भी बड़ी विलक्षण है भागवत में। रुद्र ध्यान करो भूतवा सुदृप्तौनदात्मज। तो एक तो रुद्र के हुए अनुकर मार काट का जो देवता है ना, जैसे कोई सैनिक शासन का अध्यक्ष हो, रुद्र देवता मार काट के देवता है, प्रलय करते हैं। तो ये उनके तो हो गए सेक्रेटरी, जैसे कोई सेना विभाग का मिनिस्टर हो और उसका कोई सेक्रेटरी हो जाए, बड़ा भारी अभिमान हो जाएगा उसको। तो एक तो रुद्र के हो गए अनुकर, और दूसरे धनद के पुत्र है। ये धनी लोगों के बेटे कैसे होते हैं वो आप लोग जानते ही हैं, कमाई बाप की और मौज जुड़ावे बेटा। वो तो 10-10 रुपए के लिए महाराज, 5-5 रुपए के लिए अपनी दोपहरी कालबा देवी रोड पर सड़क पर खड़े होकर धूप में बितावे, और लिया दिया में उनका सांस सवेरा रात बीत जाए, और उनके बेटे जो हैं वो क्या मौज उड़ाते हैं, शराब पीते हैं, क्लब में जाते हैं। तो यही दशा धनियों के जो बेटे होते हैं ना, तो ये एक तो बड़े आदमी के तो थे अनुचर, मुंह लगे बड़े आदमी का चमचा जैसे होता है वैसे, और बड़े आदमी के बेटे दोनों से हो। और दूसरे महाराज इनको घमंड था अपनी स्थिति का बहुत ज्यादा। सुदृप्तो धर्मम अतिक्रामति, अरिष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। जो तृप्त होता है, जो दुनिया के भोग को प्राप्त करके खुश होने लगता है, उसको घमंड हो जाता है, और घमंड हो जाने पर वो अपने धर्म का उल्लंघन कर बैठता है। कौन छोटा कौन बड़ा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका उसको ख्याल नहीं होता है, क्योंकि वो घमंडी हो जाता है। सुदृप्तौनदात्मज। अब महाराज उसके बाद और क्या हुआ, बोले बार बार उन्हीं मदिराम से दारुण मदिरा का उन्होंने पान, और स्त्रियों को परस्त्रियों को अपने साथ लिया, और जहाँ जो काम नहीं करना चाहिए घमंड में भर करके वहाँ जाके वो काम अयोग्य स्थान में करने लगे। तो इस पर भी बोलते हैं भाई, कैलाश में गंगा नदी में जा करके मदिरा पी के नंगे होके और बहुत सारी स्त्रियाँ और उनके साथ ये क्रीड़ा करने लगे। यत्रत्यं यत्र शोभा वहमति सुभदं तच्च तत्रैव कुर्यात् नैवार्हे नर्ह कर्म क्वचिदपि विदत्रे यत् स्फुटं मानमेतौ। बोले देखो जो काम जहाँ शोभा देता है उस काम को वहाँ करना चाहिए, योग्य स्थान में अयोग्य काम नहीं करना चाहिए। जो अपना भला चाहता है, हितकृत है, उसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो उसका अहित हो जाता है। इसमें प्रमाण क्या है का उदाहरण यही दोनों है। मान ले कैलाश हे पुण्य भूमौ सुर सरिधि सदाचार कर्मोचितायाम नग्न क्रीड़ा विहारा युवति विरहितो प्रपातम प्रयातम। कैलाश में, कैलाश तो भगवान शंकर की भूमि है, विराट भूमि है। वो जो मान सरोवर है ना, बड़ा भारी सरोवर, उसी का नाम है क, और ये जो पर्वत है वो उसमें नाचता है, प्रतिबिंबित हो करके नृत्य करता है, इसलिए उसको बोलते हैं केलाश। केलाश के गले लाचो नृत्यम, जल में जो नाचता है तो केलाश बिल्कुल नृत्य कर रहा है, और केलाश है वो कैलाश, केलाश ही कैलाश है। तो ऐसा महाराज जो सुख की भूमि है, पुण्य भूमि है, जहाँ सुर सरिता गंगा जी प्रवाहित होती हैं, वहाँ तो बाबा बैठ करके ध्यान करो, भजन करो, सत्कर्म करो, और यहाँ नंगे हो करके युवतियों के साथ विहार कर रहे हैं, भूल जाओ। इसका फल ये हुआ, अथ प्रपातम प्रयात बह गए। और गंगा जी की तेज धारा में कोई विहार करेगा तो बह जाने का डर तो रहेगा, तो बह गए महाराज नीचे तो बह गए। क्या स्थिति थी उनकी, तो बोले वारुणी मदिराम पीतवा जन्नाम मात्र कलने नो, जन्नामा मात्र कलने में माँ में जो मात्रा है वो दी थी, जन्नाम मात्र कलने नो भुजंग वृत्तिम दास्यात्मजा गमदजस्रमधस्तिंच सत्येनोः सुतिरियं
न तयोर न दुखे न कथय सही बारुणी। बोले देखो वैसे ये जो समुद्र मंथन में जो निकली मदिरा, उस मदिरा का वरुण देवता के साथ कुछ ज्यादा संबंध नहीं है, ऐसा वर्णन आता है। वैसे ये सिंधु देश है ना, सिंधु देश तो जिसके उत्तार जो है उसको तो हिंदुस्तान कहते हैं, और जो उत्तार है उसको पारस्थान बोलते हैं, पारस्थान। तो यहाँ इंद्र देवता की आराधना इधर और वरुण देवता की आराधना उधर, वरुण देवता की। तो वरुण देवता की आराधना में सुरा का प्रयोग होता है, जरदस्ती ऋषि उधर के आचार्य थे, जरदोष जिनको बोलते हैं, जरदस्ती और वशिष्ठ उधर, और दोनों में कई बार लड़ाई भी होती थी आचार विचार के कारण, कई बार युद्ध भी हो जाता था। ये एक कीर्तिचिंतन नाम का महाकाव्य है, कीर्तिचिंतन, उसमें बड़े विस्तार से वशिष्ठ के आर्तयुग में इंद्र और उधर जरदस्ती ऋषि के आर्तयुग में वरुण की कैसी आराधना होती थी उसका वर्णन है। तो वहाँ इसका बड़ी चलन महाराज थी। तो दारुणी उसका नाम, केवल दारुणी नाम पड़ जाने से वो जो समुद्र मंथन से निकली हुई दारुणी कन्या थी वो भुजंग वृत्ति को प्राप्त हो गई। भुजंग वृत्ति कहते, भुजंग माने वैसे तो सांप होता है, लेकिन जो स्त्री जो पुरुष जने जने के भुजपाश में बधे उसको भुजंग बोलते हैं। तो ये पासी की जो पुत्री है ये दारुणी नाम रखने से ही ऐसी अवस्थिति को प्राप्त हो गई, और उसी का सेवन करते हैं ये दोनों, तो उनकी ऐसी स्थिति अधिक्त हो न दिखता ऐसा नहीं है। ये बात प्रकट करते हुए उसका नाम बोले दारुणी मदिराम पित्वा, नहीं तो मदिराम पित्वा इतना ही बोलते, दारुणी दारुणी चाहे तो हो बोलते हैं। अवंत प्रदिश्य गंगायाम ताद्रिक विस्तृत शालिनेरपि तयो चापावसाने क्षणम, अवसाने क्षणम एक है, ये क्षण शब्द है। भाई ये नारद जी के मन में साप देने की आयु तो थी, लेकिन इनके साप का अंत कैसे होगा ये भी मुनि ने अपनी ओर से सोच लिया, अपनी ओर से सोच लिया हो कि इनके साप का अंत कैसे हो। तो मुनि को क्या हुआ कि इतने बड़े ये जो दुष्कृतशाली पापी थे, नलकूबर और मणिग्रह, एक तो गले में बहुत बढ़िया मणि पहनता था इसलिए उसका नाम मणिग्रह था, लेकिन जो दूसरा था महाराज वो बिल्कुल पास की तरफ सीधा रहता था, किसी को नमस्कार नहीं करता था, उसका जो कूबर था ना पीछे जो हड्डी थी वो बिल्कुल बांस की तरह सीधी सीधी थी, और वो किसी को नमस्कार ही नहीं करता था। बोले हृदय किसके सामने है। एक बार महाराज सूर्य बाबा जी महाराज के सामने हरि बाबा जी श्री सूर्य बाबा जी महाराज बैठे थे, तो एक बड़े शेख को लोग ले आए पकड़, अब वो तो जैसे महाराज पकड़ के लाया गया हो ऐसे चलाया गया था। अब ला के वहाँ कथा हो रही थी, मैं कथा कर रहा था, और बीच में सब शेख पार करके, क्योंकि बड़ा शेख था महाराज, तो लोगों ने धकेल धकेल के उसको बीच में कर दिया कथा में, जाओ महाराज को प्रणाम कर जाओ। अब वो महाराज ऐसा कपड़ा उपड़ा पहने हुए था, अब उसको प्रणाम करना आवे नहीं, बीच में आके बिल्कुल सूट की तरह खड़ा हो गया जैसे फेर हो गया। अब लोग उससे इशारा करें कि महाराज को ऐसे हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, अब उससे तो हाथ जोड़ नहीं रहा है, और थोड़ा शराब भी पिए हो तो क्या पता। तो ये महाराज नल पूजर मणिग्रह जो है उनको झुकना नहीं आता है, और अपने मणि का अपने धन का बड़ा भारी अभिमान है। तो ऐसे जो पापी हैं उनको साप दिया नारद जी ने, फोटो दिया, परंतु उनके सापावसान का भी इच्छा दिया, सापावसान इच्छा सत्याभूत सत्य नारद से सापावसान क्षणम अभूत अथ चिरा प्रति पदा भोजद्वयालोकनम। और बोले कि भाई इनको तो भगवान का दर्शन होना चाहिए, ये भी नारद जी के मन में आया। नारद जी बड़े कृपालु हैं, वो जीव मात्र का उद्धार चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि सबको भगवान का दर्शन मिले। तो बोले केले दम सुकृते न जातम, और नारद जी के मन में ऐसी बात आई तो कैसे आई, कौन सा पुण्य ऐसा इन दोनों ने किया था कि नारद जी के मन में ये बात आई। खुद शंका प्रमृत नंद मुनि, सुखदेव मुनि इस शंका को काटते हुए, इस शंका का
मर्दन करते हुए बोलते हैं, क्या अरे भाई, चाहे भले शराब दिया इन्होंने, भले बुरा काम किया, लेकिन गंगा जल तो उनके ऊपर पड़ रहा था ना, तो अधहरम सदिश सुकदम गंगा जल क्रीडनम। गंगा जल का ऐसा महात्म्य है जिसमें अभिष्ट सुख की प्राप्ति हो जाती है, तो मालूम पड़ता है कि संपूर्ण पापापहारी अघहारी ये जो गंगा जल था उसी की ये अतर्कित महिमा अनिर्वचनीय महिमा है कि देवर्षि नारद के मन में ये सूझ गया कि इसके साथ शांत हो जाए और उनको भगवान का दर्शन हो जाए। यदवा यदवा माने एक दूसरा भाव सुनाते हैं, यदवा पूर्ण सरित बराबर करमण पाटा देव सहागते हृदयो व्यक्तियात्र फल सापोन मोचन मंदिरा धूप कृपा लाभस्य शांतम शिवा महात्म्याद वर्षि दर्शन महापुण्याद गण्याद भूत। इसमें अर्थ है, मैंने ऐसा कहने से क्या होता है कि लोग गंगा जी में जाकर पाप करने लगे, तो बोले कि नहीं नहीं ये सिद्धांत ठीक नहीं, जब तब जाए तो देखो जी कि ये पुण्य सरिता है गंगा जी, पुण्य नदी, अमर नदी है, पुण्य नदी है, उसमें जा करके किसी ने पाप किया तो उसका पाप का फल तो बुरा होना चाहिए, उस कर्म का जो परिपाक है वही आ गया। क्या आया तो रुदु गया, रोग जो उनके जीवन में आया ना, सुख जो उनके जीवन में आया तो वही से आया और उसी से ऐसा ये फल इनको भोगना पड़ा। लेकिन ये जो उनका साप मुक्त हो गया और जो उनके इंद्रादित भगवान की कृपा का लाभ हुआ, ये तो शांत जो देवर्षि हैं उनकी वाणी का महात्म्य है अथवा देवर्षि के दर्शन का अगण्य महापुण्य है कि उनके मन में उनका ये कल्याण हुआ। ये तो महात्मा की वाणी का महात्म्य है अथवा दर्शन का महात्म्य है कि इतने बड़े जो दुष्ट से उनका भी कल्याण हुआ। नारद जी आ गए, यदृक्षया गतस्तत्र देवर्षि, देवर्षि नारद यदृक्षया इन अभिभाग्योदयेन भगवत संकल्प से, भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से देवर्षि नारद वहाँ आ गए। अनिर्वचनीय इच्छा को ही यदृक्षा बोलते हैं, यदृक्षा माने अनिर्वचनीय इच्छा। प्रतिकूले अनुकूले वा विधौ तदनुसारतः योगो पीसा चैवेति दयात। बोले बाबा जैसी होनी होती है, यहाँ विधि शब्द का अर्थ है जो होनी होती है वो आगे आगे दौड़ती है, विधि माने भाग्य, विधि माने होने, जैसा विधान है, विधि विधान जैसा है, विधानम विधि, जैसा विधि विधान है महाराज वो अनुकूल हो तो अनुकूल और प्रतिकूल हो तो प्रतिकूल, उल्टा हो तो उल्टा, सुलटा हो तो सुलटा, उसी के अनुसार व्यवस्था बन जाती है, संयोग बन जाते हैं, होली के अनुसार संयोग बन जाते हैं, एकाएक बन जाते हैं। तो ये बात कैसे बनी, सुतम सिद्धिको दयात, सिद्धिको नारदा, सिद्धिको दयात। सिद्धि ब्रह्मा से जिनका उदय हुआ है, माने ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं उनका नाम है सिद्धि। तो नारद जी का वहाँ एकाएक जो उदय हो गया महाराज, असमय में ही ये नारद, नारद रूप गुरु ग्रह का जो उदय हो गया बिना ज्योतिष के ही, अथवा जो दैव भाषित है उसका उदय हो जाने के कारण ये नारद जी महाराज वहाँ आ गए। अब तुरंत स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक लिया, स्त्रियों में लज्जा शालीनता अधिक थी, इसी से देखो उनको कोई साथ नहीं दिया। अब अपराध तो दोनों का समान ही था, तो स्त्री ने भी शराब पिया था और पुरुष ने भी पिया था, वो भी नंगे थे, वो भी नंगे थे, लेकिन महाराज स्त्रियां थोड़ी कठोर होते हैं, ये पुरुष जब पागल होते हैं ना औरतों के लिए, तो उनकी बुद्धि तो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियों की बुद्धि थोड़ी होशियार होती है, वो सावधान रहते हैं नारायण। तो ये स्त्रियां जो है उन्होंने तो क्या किया कि जब योगात वयम मित्रगात्मनि सुखम प्राप्तात् यः सर्वदैवात्मकीर्ति लता प्रसारण चरो योगिज्ञान्तस्थितिः तस्यानंद महीपतेर गृहमिदं गोप्यं न कार्यं कथं तत्पूज्याभिरितिव पर्यभिररं वासांसि देवयोहिताः।
बोले कि देखो काम जो है वो हम लोगों को ऐसा बढ़िया बढ़िया सुख देता है, और काम की वजह से ही तो हम अप्सराओं का आपकी कीर्ति दुनिया में फैलती है। और ये बाबा दिव्य काम तक स्थिति पूज्य इंद्रियों में इसका निवास है, जत्थों में निवास करता है। उन्हीं काम महीपति का ये शरीर जो है, ये घर है, उन्हीं की वजह से हमको सुख है। तो सेवक जो है उनकी कोठिया है, हम उन्हीं के लिए खाती हैं, उन्हीं के लिए पीती हैं, उन्हीं के लिए रहती हैं, तो उनके महल की सुरक्षा हमको करना चाहिए। ऐसा सोच करके उन अप्सराओं ने, देवियों ने वस्त्र धारण कर लिया। विकल्लक्ष्यम यथा न स्यात् तथा रक्ष्यम प्रभोर गृहम गुप्त मालक्ष्य कामर्षि वैरमा संस्था। बोले देखो भाई, सेवक का ये काम है कि अपने स्वामी का जो घर है उस पर दुश्मन की नजर न पड़ने पावे। तो उन्होंने देखा ये काम है और ये ऋषि है, और ऋषि और काम में तो बैर होता है, तो इसलिए ऋषि को काम का घर नहीं देखना चाहिए। यत् कार्यं विहितं फलाय भवति प्रायः तदेव आचरेत् राज्ञो जातुन वांछितार्थ विदुरं लोके इति दृढप्रतौ वस्त्राच्छादित गुह्ययोरपि न नावाच्छाद्यते गुह्यक प्राकृत्यं तदनेन किञ्चित् धिया सौतादृशौ तत्थतुः। लोके तु इति दृढप्रतौ तौ तादृशौ तत्थतुः। ऐसी उनकी दृष्टि है। क्या दृष्टि है? कि जो काम करने पर महाराज प्रयोजन की सिद्धि होती हो, बुद्धिमान पुरुष को वही काम करना चाहिए, और जिस काम के करने से अपने प्रयोजन में बाधा पड़नी हो वो काम नहीं करना चाहिए। तो कार्यम साधे श्रीमान कार्य ध्वन तो ही मूर्खता। बुद्धिमान का काम है जो अपना काम बना ले, और अपने काम को स्वयं अपने आप बिगाड़ना ये मूर्ख का लक्षण है। कार्यम साधे धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। माने कोई भी काम करना हो तो देख लेना चाहिए कि इससे हमारा मतलब बनता है कि बिगड़ता है। तो बुद्धिमान पुरुष को जिससे अपनी इच्छा पूरी न होती हो, अभिलाष पूर्ति में बाधा पड़ती हो, वैसा काम नहीं करना चाहिए। ये है उनकी दृष्टि। अब देखो क्या शब्द का ये आश्रय लेते हैं। बोले वस्त्राच्छादित गुह्ययोरपि। उन दोनों ने सोचा कि यदि हम कपड़ा पहन के अपने गुह्य स्थान को ढक भी दें, तब भी तो नावाच्छाद्य के गुह्य का प्राकृत्यम, ये बा नहीं है वाह है, नऊ आच्छाद्य के गुह्य का प्राकृत्यम, बा नहीं है वाह है, नऊ आवयो हो गुह्य का प्राकृत्यम नाच्छाद्य के। तब भी तो हमारा जो गुह्यक पना है, गच्छ पना है, वो तो प्रगट ही हो जाएगा, वो तो ढकेगा नहीं, तो ये काम करने से क्या फायदा है? इसलिए वो बिल्कुल नंग फड़ंग खड़े हो गए। और लोके शास्त्र स्वजग वस्तु निगुह्यम न तत् स्तुति कार्यम दोषो विहिते तु महान वस्त्र गुह्यक पदा विध्वंसम। देखो भाई, दुनिया में लोक व्यवहार में चाहे शास्त्र में जो वस्तु गुप्त हो उसको गुप्त ही रखना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि प्रकट कर दोगे तो बड़ा भारी दोष लगेगा। इसीलिए देखो ये गुज्जक हो करके जो विवस्त्र हो गए, नंगे हो गए, निराभरण आत्मान न जानता सुदुर्मद, ऐसे मतवाले हो गए कि हम बिना कपड़े के हैं, अपने निराभरण आत्मा का ज्ञान उनको नहीं रहा। निराभरण आत्मा का ज्ञान न होने से मनुष्य अज्ञानी हो जाता, और ये निराभरण आत्मा हम नंगे हैं, शास्त्र और लोक की मर्यादा से हम ढके हुए नहीं हैं, यही तो नग्नता है। नग्नता क्या है? शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार यदि कोई नंगा हो जाए बिना वस्त्र आच्छादन के अवधूत वितरण करता है, तो देखो वहाँ तो शास्त्र से और अवधूतों की मर्यादा से ढका हुआ है, कपड़ा पहने हुए है। अनाच्छादनम चरति परमहंस, बिना शरीर को ढके परमहंस वितरण करता है। लेकिन जिसके लिए मर्यादा है महाराज कि ढके रहना चाहिए, और वो अगर ढकना छोड़ दे तो वो निर्मर याद हो गया, वो नग्न हो गया, नंगा हो गया। ये दुनिया पहले नंगी थी, हो दुनिया पहले नंगी थी, तब भगवान ने भेद को प्रकट कर दिया।
उच्चावचम निर्माय कृति निर्मित त्रिवाद। शास्त्र का कहना है कि पहले भगवान चराचर की सृष्टि करते हैं उच्चावचम निर्माय, उच्चावच छोटी बड़ी सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर श्रुति का निर्माण करते हैं। ऐसे कर पिता की तरह, जैसे पिता बच्चे पैदा करके और उनको सिखाता है कि ऐसे बोलो ऐसे बैठो, उनको कपड़ा लत्ता पहनाता है, वैसे भगवान वेद के द्वारा मनुष्य के जीवन को आच्छादित करते हैं। छंदांसी यस्य परिणामी साधना, छंदांसी साधना आच्छादन जो करे उसका नाम। नहीं तो दुनिया नंगी की छूट थी हो कि दुनिया रूपी पीपल के पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, सब भगवान ने वेद के पत्ते बना बना करके इसको ढक लिया। नहीं तो महाराज कोई धर्म न करे, कोई उपासना न करे, कोई योगाभ्यास न करे, कोई जिज्ञासा न करे, सब नंगे। तो भगवान ने ढक्कन बना दिया, वेद शास्त्र का ढक्कन। जो नग्न हो जाता है वो मर्यादा से च्युत हो जाता है, इसलिए वेद शास्त्र की मर्यादा, लोक की मर्यादा हमेशा रखना चाहिए। आपने सुना होगा एक दिन हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर गुरुदेव जिनको बोलते थे ना, लोग शांत निकेतन में सायंकाल घूमते हुए बगीचे में निकल गए। बगीचा तो वहाँ मुख्य स्थाई था, तो वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना कुर्ता निकाल के, गर्मी का दिन था, बंगाल की गर्मी उमस, कुर्ता निकाल के तो पेड़ की डाल पर टांग गया और ऐसे नंगे बैठ के खुली हवा में नंगे बदन पढ़ रहे थे। कुछ इतने में आ गए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बहुत जल्दी जल्दी में वो उठे और अपनी धोती का फेटा खोल के और कंधे पर डालने लगे। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, कह रहे सर, संस्कृत लिखे पंडित और अंग्रेजी पढ़ी लगती, ये अगर दोनों अपना आधा आधा शरीर नंगा रखे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पूरा नंगा नहीं होना चाहिए। तो ये नग्नता यही है, मर्यादा का पालन न करना ही नग्नता है, कि अधिक से अधिक हमारे शरीर का प्रदर्शन हो जाए, इसी का नाम नग्नता है। अरे बाबा, मन तो सबका नंगा ही था और शराब पी के मतवाला नशे में था। भगवान ने देखा, अरे हमारा दोस्त, हमारा ये जीव, इसके मन की ये हालत, तो ऊपर से एक शरीर का कपड़ा डाल दिया जिसको लोग नंगा न देखें। अगर ये शरीर न होता ना, काम आता तो काम दिखता, क्रोध आता तो क्रोध दिखता, लोभ आता तो लोभ दिखता। तो भगवान ने कहा कि ये हमारे मित्र की बड़ी भारी बेइज्जती होगी, इसलिए ये शरीर का कपड़ा भगवान ने पहना दिया, नहीं तो जो मन में आवे तो मालूम पड़ने लगे। तो जरा नग्नता से आदमी को बचना चाहिए हो, और जो जो नग्नता आती जाए ना, आदमी उद्दंड उच्छृंखल उच्छृंखल होता जाए, तो समझना कि अब पागलपन की ओर, अब पागलपन की ओर गति होती जा रही है, वृद्धि हो रही है पागलपन। नग्न्यो जब नारद जी महाराज के मन में तयो अनुग्रहार्थाय तापम भाग्यन एदं जगौ, नारद जी के मन में आया कि इनके ऊपर अनुग्रह करें। देवता के बेटे होकर के न विवास समात्मान जानी कहा गुरमद, ये अपने को नंगा नहीं जानते हैं, तो इनके ऊपर अनुग्रह करना चाहिए। तो अनुग्रह माने स्वधर्माविर्भाव, ये महात्मा लोग अनुग्रह, अनुग्रह माने शक्तिदात करते हैं, और अर्थ माने जो अर्थ हमारा है, जो इष्ट हमारा है, वो इष्ट तुमको मिले, तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। नारद जी ने कहा कि इसको वैष्णव बनाए बिना काम नहीं चलेगा। एक महात्मा रहते थे बद्रीनाथ में, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि एक वैष्णव रोज बनाएंगे और फिर भोजन करेंगे, बिना एक वैष्णव बनाए भोजन करेंगे ही नहीं, एक को तो जरूर वैष्णव ही दीक्षा देंगे, अनुग्रह करेंगे। उन लोगों की भाषा यही है, एक चेतन का उद्धार रोज करेंगे, बिना किए भोजन नहीं करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ महाराज, कोई नहीं मिला। अब बद्रीनाथ में रोज आदमी वैष्णव बनाने के लिए काम नहीं मिले तो अब भूखे रहे, तो एक कुत्ता पकड़ लिया और कुत्ता पकड़ के उसके सिर पर तिलक लगा के उसको तुलसी की माला पहना दी कि चेतन का आज उद्धार कर लिया, और उसके बाद जाके भगवान को भोग लगा के भोजन किया है ना। ये जो है, ये चेतन का जो उद्धार है ना, महात्मा लोग चेतन का उद्धार करते हैं। सोचा कि कहीं हम गुस्से में तो नहीं है ना, कोई काम करना हो, साथ भी किसी को देना हो तो तुरंत ही नहीं देना हो, थोड़ा सोच विचार के देना पड़ता है, जब कहीं गुस्से में तो नहीं दे रहे हैं। तो जब गुस्सा शांत हो जाए, एक दिन दो दिन चार दिन उस पर विचार करो। अब नारद जी के सामने तो इतना समय नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा साथ तो देना है, परंतु गुस्सा नहीं है इसको जानने का कोई तरीका निकालना चाहिए। तो उन्होंने अपनी घृणा पर वर्ष फेर लिया। तो भाई, यदि क्रोध होगा मन में
तो गला सूखेगा, गाया नहीं जाएगा, वो आ आ का जो स्वरा लाभ है ना वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए नारद जी ने शापम दास्यन इदम जगौ, जगौ का अर्थ दान किया, उन्होंने पहले वीणा उठाई और उस पर स्वर ब्रह्म, स्वर ब्रह्म की मूर्छना महाराज जागृति अनुष्ठित छंद है, ये गाने के काम में आता है वाल्मीकि रामायण जो है सारा अनुष्ठित छंद, इसके पहले अनुष्ठित छंद का ही ज्ञान वाल्मीकि जी ने किया था और लव कुछ सिखाया था, और अनुष्ठित छंद का ही तो ज्ञान था ना। तो इन्होंने गान शुरू किया, काम मोहा नृतेश्वेकोलमन्याय कर्मणि वाच्य श्रीमद अन्याय, दुख कर्म करवाने के लिए अन्याय कर्मणी, अन्याय निमित्त कर्म करवाने के लिए काम आ जाए मन में तभी मनुष्य अन्याय करता है, मोह हो जाए तब भी अन्याय करता है, झूठ बोले तब भी अन्याय करता है, इन तीनों में से कोई एक आ जाए तो अन्याय करवाने के लिए महाराज अन्याय कर्म के लिए एक ही पर्याप्त होता है। सौभाग्य श्रीमद कैर्वा त्रयो यत्र विराजिता, अब श्रीमद की महिमा कैसे कहें, जहाँ काम मोह झूठ तीनों एक साथ विराजमान रहते हैं, राजन्नेवमिदं वो कर्मणि में दीर्घ विचार में ह्रस्व विचार से है, राजन्नेवमिदं जगत प्रहिथनोन्मादो खदः सर्वदा नाना नर्थ निदान विदते दुर्गाधमेत्यान्यकृतो तस्माल् लोक सुखार्थिनापि गिरिजा नाथे न मन्ये धनम् नित्या नर्थकृतस्य वेक्ष्य बहुधा तस्यादेव आदृतः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो धनोन्माद है, धन का जो पागलपन है, ये सब जगह पाप ही देता है और अनेक अनर्थों का निदान है, ये तो महाराज खुली आंख होए और सूर्योदय खूब उदय हो, सूर्योदय हो रहा हो तब भी ये अंधा बना देता है, खुली आंख और सूर्योदय का समय और उस समय ये धन का जो उन्माद है ये अंधा बना देता है। इसलिए देखो गिरिजानाथ हैं जो भगवान शंकर, उन्होंने ये निश्चय किया कि बाबा ये अर्थ समग्र अनर्थों का हेतु है, इसलिए जो लोक में सुख चाहता हो उसके लिए इसका त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ यत पापरधिसुरा दुरोदर परस्त्रीहा अपहारा सदा संध्याज्ञा नयको विदेह न दिदुषा श्रेयस्वता समाकांक्षता इत्ते तद्विनिषेध शास्त्रमवनी काले प्रवृत्तं जत तत्शास्त्रस्य निदान निहितगतिनै उत्संकितं नापरम्। पाप संपत्ति जो है वो हमेशा बुरा करती है, कैसे भी पाप हो जाए कोई बच नहीं सकता। यहाँ तक वर्णन करते हैं कि राम ने बाली को छिप के बाण मारा, उसका फल ये हुआ कि कृष्णावतार में उनके पांव में छिप के व्याध ने बाण मारा। यहाँ तक का वर्णन दूसरे भागवत में तो नहीं है, परंतु दूसरे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। दशरथ ने अनजान में श्रवण कुमार के बाप को बाण मारा और उनको भी अपने पुत्र के वियोग में ही मरना पड़ा, वो पाप कभी खाली नहीं जाता है महाराज। और सुरा सरा और दुरोदर, दुरोदर माने जुआ, दुष्कम आ उदरम दुरोदरम उदम अमर कोश आदि में दुरोदर शब्द जो है सुरात में भी प्रयोग है, दुरोदर छद्म का कपट, युवा कपट, गुरुदर सदमा भारत में वर्णन है, गुरुदर और परस्त्री की इच्छा और अपहरण, ये सब क्या है, विद्वान नीति निपुण पुरुष को अपना यदि वो कल्याण चाहता है तो इसका परित्याग कर देना चाहिए। तो ये बात जो राजा के लिए शास्त्र में कही गई है कि ये नहीं करना, बाप की संपत्ति इकट्ठी नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री को मत जाना, ये जो निषेध शास्त्र राजा के लिए है, तो ये शास्त्र क्यों बना, तो मालूम पता है ये पौरुषेय शास्त्र है और दुनिया में देख देख करके ज्ञान जन्य ज्ञान से ही इसका संग्रह किया गया है, दुनिया में इनके जो नुकसान होता है उसको देख देख करके ही इसका उत्संगन किया गया है। अब आगे का प्रसंग करना।